यहाँ से हम सूरीनाम के हर एक सुनने वालों को और हमेशा की तरह हमारा प्रदेश के तमाम लोग भी बहुत करीब होकर के समस्या को सुनते रहते हैं। मेरा प्यार आप तक पहुँचे। भाइयों बहनों, आप शायद सुन चुके होंगे, अगले साल हम बात करने के जा रहा हूं 2019 के बारे में। यानी वारी 2019, हर एक जो सवारी चलाएंगे सरनाम के सड़कों पर, सवारी गाड़ी के बात हम करते हैं, ऑटो के बारे में, आप सबको एक कदो मिलने वाला है। सूरीनाम के जनताओं को कदो मिलने वाला है अगले साल यानी वारी से। तोहफा, तोहफा लोग कहते हैं। यह तोहफा कौन ऐसा चीज है कि जो आपको इंतजार करना पड़ेगा 8 जनवरी 2019 को, जब सरकार आपको कदो भेजेगा। यह कदो जो है प्यारे लोग, जो लोग ऑटो चलाता है, सवारी सवारी ब्रोंफिच हो, मोटरगाड़ी हो, वगैरह वगैरह, क्योंकि यह कदो है एन फूरेंग रई एन फूर टैखन बलास्टिंग। समझ गया मौसी? रई एन फूर टैखन बलास्टिंग, जो लोग के गाड़ी के कैन टेकन प्लाट है पे एन को 265 रुपया लगेगा, पेटवे को 385 पैसा लगेगा एक साल के लिए, पेद्री को 555 एक साल के लिए, पेफीर को 885 लगेगा और पेफेव को 1200 से लेकर के पैसा भरना पड़ेगा। जनता लोग यही बात सोचे हैं कि सरकार ये पैसा सड़क पर लगाएगा, लेकिन सब लोग तो जानना चाहते हैं कि कितना लोग ये ब्लास्टिंग भरेगा और ये ब्लास्टिंग कौन कस में स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर ये ब्लास्टिंग से सरकार और कोई काम करेगा तो ये गलत काम करेगा, क्योंकि अगर डैम के नाम पर सड़क के बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत करने के लिए जब ये पैसा सरकार अब लेगा यानी वारी से, तो एक स्पेशल फंड्स में होना चाहिए ताकि वही फंड्स के पैसा निकाल करके और डैम को असफलतीर करना चाहिए या डैम को मरम्मत करना चाहिए। अगर ये पैसा ले करके वो कास में जाएगा, पता नहीं चलता कि वो कास में कौन कौन चीज के लिए खर्चा होगा, तो ये गलत बात होगा। ये पैसा सरकार एक ही नाम से ले रहा है कि दाम को अंदरहाव करने के लिए, दाम सड़क सड़क को यानी मरम्मत करने के लिए। हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, हम लोग को तो मालूम है कि देश में पैसा की तंगाई है, इनकम बहुत कमती है। श्रीमान हुबदराज बैठ करके तरह तरह के चीज सोचते रहता है। अब ये बात सोच लिया कि फुर तैखन बलास्टिंग जो कितनी साल पहले अफसखफ हो चुका था, इसका जरूरी नहीं थे हुबदराज फिर से ये बलास्टिंग भरवाना चाहता है 3 जनवरी से।
हमारे भैया लोग विद्या व्याख एक शैस्त्रार्थ है, फिर केंद्र व्याख का वहां अबिगेल को लोग स्कूल से घर जा रही थी ना, एक तो योता प्रेम योग गाड़ी में से कुछ लोग उतरा और दो बच्चियां जो स्कूल से घर जा रही थी पिस्तौल बंदूक के जड़वा जड़वा करके इन दोनों का सामान इन दोनों से छीन करके और ये दोनों डाकू वही गाड़ी में भाग गया फिर से मखन तक कदाल व्यक्त की तरफ। तो ये दो लड़कियां स्कूल से घर जा रही थी, दोनों को लूट लिया है। एक आदमी सांदरई के रास्ता पर एक 8 साल के बच्ची को धक्का लगा दिया है, बेचारी को बहुत चोट लगा, उन्हें स्पुत ऐश्वर्य हेलप को पहुंचाई गई। अब मुझे पता चला है कि इस आदमी का रेबीज इन तरह कर लिया गया है। ऐसा ऐसन बात जो अखबार के अंदर में जरूरी है और ये लिखा हुआ है। प्यारे लोग जनता, मुझे ये बात पता चला है कि सरकार का प्लानिंग है संदस्तात सूरीनाम और बॉक्सिट मल्टीनेशनल अल्कोवा सूरीनाम, इन दोनों में अस्पराक है एक नया राफीनाद रेई खड़ा करने के लिए बखेज खबर इन वेस्ट सूरीनाम पर। ये सरकार ये सब बातचीत कर चुका है नया राफीनाद रेई खड़ा करने के लिए, क्योंकि वहां पर 300 मिलियन मैट्रिक टन बॉक्सिट जमीन के नीचे मौजूद है, 300 मिलियन मैट्रिक टन बॉक्सिट बाखेज खबर जो है वहां के नीचे में इतना टन बॉक्सिट मौजूद है। जहां पर अब राफीनाद रेई है, अगर वहां से जब काम होता तो बाखेज खबर तो बहुत दूर है, वहां से लाने के लिए और ये सब काम वहां से करते हुए यानी बॉक्सिट मस्कपेई का हानि होगा और सूरीनाम सरकार के भी हानि होगा। इसलिए कि जहां पर अब राफीनाद रेई है उसको बेहतर है कि उसको स्लो कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए और एक नया मॉडर्न राफीनाद रेई बाखेज खबर रखते वहां पर खड़ा किया जाए और ये एक नया राफीनाद रेई के प्लान है, सरकार के एक प्लान है, प्लान बनाया हुआ है। लेकिन आप तो जानते हैं कि असेंबली लेजन लोग सवाल किए हैं कि एक नया ऑफरिंग फॉर्म्स जो रखियरिंग पार्लियामेंट पे लाना चाहता है वो कौन सा ऑफरिंग फॉर्म्स है। अब देखिए, बहुत साल पहले एक ऑफरिंग फॉर्म सरकार और अल्कोवा के बस्ती अल्कोवा यानी ये दोनों एक ऑफरिंग फॉर्म्स टेकन किया है 75 साल के लिए। एक ऑफरिंग कॉम्स बनल रहा मान लिया जाए 75 साल के लिए, जहां सूरीनाम का प्रीमियर टेकन किया होगा और अल्कोवा का प्रेसिडेंट। लेकिन अब पता चल रहा है कि अल्कोवा 75 साल से पहले सूरीनाम से जाना चाहता है। तो जब अब 75 साल से पहले जाना चाहता है तो ये तो ना ठीक चीज है, क्योंकि सूरीनाम की सरकार और अल्कोवा दोनों मिलकर के ऑफरिंग कॉम्स टेकन की है। तो ना खाली अल्कोवा जब बोलो चल जाए तो सूरीनाम बोली हाँ तू जा सके नहीं, तो अब एक ऑफरिंग कॉम्स बना होगा क्योंकि अल्कोवा पहले देश छोड़ करके अब जानना चाहते तो लौटना चाहता है। इस खवैश शब्द ऑफरिंग कॉस्ट में कौन ऐसा बात है, क्योंकि उसमें जगह ये बात है कि अल्कोवा अच्छा ठीक है 75 साल से पहले जो तू जाए मांगत हो
तो आप लोग, तो हम लोग को कुछ पैसा होना चाहिए, क्लेम होना चाहिए, 1 मिलियार्ड 2 मिलियार्ड या 4 मिलियार्ड, यही से बात है। तो असेंबली गुजारिश की है एक वैसक जो ओवर इनकॉम्स जो सरकार बना चुका है, बोले ये ओवर इनकॉम्स मुमकिन है इंग्लिश में, अंग्रेज में तैयार है, तो उसको पहले नई जलास में बनाएगा। लेकिन असेंबली चाहता है कि ये वैसक जो ओवर इनकॉम्स पार्लियामेंट में पहुंच जाए, तो पार्लियामेंट इसके बारे में गुफ्तगु करेगा। पार्लियामेंट अगर इजाजत देगा ठीक है, और को तो जा सकते हैं, और इतना खर्चा दे दो, इतना पैसा, तो वगैरह वगैरह शायद उसमें होगा। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे बता रहा हूं, एक नया राफिनादरी बनाने के लिए सूरीनाम के सरकार और अल्कोवा सूरालको भी बातचीत कर चुका है। वो लोग चाहते हैं एक नया मॉडर्न राफिनादरी खड़ा करने के लिए, बाखेज खबर रखते जहां 300 मिलियन मेट्रिक टन बॉक्सिट मौजूद है। ये सब असेंबली को टू स्टेमिंग, असेंबली को इजाजत देना पड़ेगा, तब कहीं सरकार ये ओवर इनकॉम्स टेकन कर सकेगा मल्टीनेशनल से। तो यही सब बात है। और जो राफिनादरी के बारे में बातचीत हो रहा है, वो राफिनादरी अब सूरालको अल्कोवा उसको खाड़ करके ले जाएगा, अब उसको यहां नहीं छोड़ेगा। रह गए बात, अगर एक नया राफिनादरी होना चाहिए तो असेंबली को टू स्टेमिंग, असेंबली को इजाजत देना चाहिए, तब रफेरें कहीं जाकर के टेकन कर सकता है। और जो खवैसद है कि जब अल्कोवा 75 साल से पहले देश छोड़ करके जाना चाह रहा है, तो एक दूसरा ओवर इनकॉम्स होना चाहिए इनकॉर्ट करे के, तो रखेरें सूरीनाम के फायदा क्या होगा। तो अब ये बात के लिए एक नया ओवर इनकॉम्स पार्लियामेंट में होना चाहिए, ताकि असेंबली इजाजत दे या इजाजत ना दे। इजाजत दे तो वो अल्कोवा जा सकते हैं, और इजाजत ना देगा तो पहले सब जो नुकसानी हुआ है उनको अदा करने के बाद अल्कोवा को सूरीनाम छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक औरत जहां पीर है वाटर काउंट, वो पीर रीवा में कूद पड़ा, मुमकिन है आत्महत्या करने के लिए। जब यह कूदल है, लोग ने वहां पर देखी से फॉक्स ऑमस्टांडर्स इस एरे खस्प्रोंगन, जब यह कूदल है शायद यही बात सोच करके कि हम अपना आत्महत्या करने के लिए कूद रहा हूं, लेकिन जब कूदल है तो पानी बहुत उतर रहा था, समुद्र की तरफ जा रहा था पानी, हर 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 हर। लेकिन जब ये औरत कूदल है पानी में वाटर कांच, तो एक पिलार, एक पुराना पिलार उस बिचारी के कपड़े भंडानी उसी में फंस गई है। अब वो न बुड़ पा रही है, न आगे जा पा रही, न पीछे, वहीं पर फसल पड़ल है। करीबन आधे घंटे तक ये औरत वहां फंसी हुई थी उसी पाल में, एक पुश्तू में जो गारल हरीबा में, और इस औरत के कपड़े उसी में फंस गई। अब ये तो मरने के लिए कूदी हुई थी, जान देने के लिए, लेकिन उस पाल में जब फंस गए कपड़ा, तो न मौसी इधर जा पा रही, न उधर जा पा रही, कहीं ना बस वहीं में फंसा पड़ा है। तो जनता कूद करके इस मौसी को बचाई है, लेकिन शायद इनका वही प्लानिंग था कि हम कूद करके रीवा में आत्महत्या कर ले, यानी कि मरना चाह रही थी। लेकिन देखो प्रभु परमात्मा, जब न चाहे कि तुम्हें मरे के चाहे तो कैसे मरियो, समझे ना। ए भैया, ए काका, ये जो 9 तारीख अगस्तस है, डाक डर इन हिमसन, डाक डर इन हिमसन, और नेखा के भी यफान से इमिख्राची है। तो जाने मारिय बेड़क बे जहां स्टेख्ते खफाले हेल्दन
वहां हम लोग एक मोन्यूमेंट खड़ा किए हैं, वही के आमने सामने पर सुअर तो मुस्ताजा एक मोन्यूमेंट भी खड़ा किया है, जहां पर खफाल हेल्द का मोन्यूमेंट, उसी के सामने एक मोन्यूमेंट और है मलाई भाइयों के लिए, सुवार तो मुस्ताजा उसका फोर्स सेटर है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम है जामू, जामू एक ऑर्गेनाइजेशन है मलाई परिवार का, मुस्ताजा उसका सभापति। श्रीमान सोमोहार जो ऐलान किया कि वो मारिय ब्यूरक में हड़ताल करेगा, चंटा जुटाएगा, ये करेगा वो करेगा। प्यारे लोग, ये सब जानते हैं, अभी द्यार्टिक यूली को डिस्ट्रिक्ट खफाल हेल्दन डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान से इमिग्रेसी, उस द्यार्टिक यूली को हम लोग याद किए हैं और वहां पर हम लोग फूल जा करके रखे हैं, उन लोगों के लिए जिनों को हत्या हुआ है द्यार्टिक यूली नहीं खती तो के। प्यारे लोग, अब ये जो 9 तारीख है तो ये इमिग्रेसी है, ये फ्रांस इमिग्रेसी, और सोमहार्जो का विचार है मारिय ब्यूरक पर हड़ताल करने के लिए। लेकिन देश से काली जो है डिस्ट्रेस कमिसारस काली के कहना है कि कैबिनेट फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड कमिसरियात कमवेनर, ये सब खुद जापान से इमिग्रेसी मारिय ब्यूरक में मनाने को जा रहा है। यहां जामू है, जहां मिनिस्टर मुस्ताजा का मोन्यूमेंट है, वहां पर देश काली एंड कैबिनेट फॉर द प्रेसिडेंट वो लोग वहां फूल रखेगा और सोमोहार जो के फर्शनिंग नहीं दिया गया है। सोमोहार जो को प्रोग्राम करने के लिए मारिय ब्यूरक पर इजाजत नहीं मिला है, इसलिए सोमहार जो नियम से दाम पर अपना प्रोग्राम अप करने को जा रहा है। लेकिन जैसे काली के कहना है कि कैबिनेट फॉर प्रेसिडेंट और जैसे और कमिश्नरियात जो कमवेद है, ये दोनों मिलकर के इन लोग का अपना प्रोग्राम रहेगा, ये फ्रांस इमिग्रेसी के एनहेमसन के प्रोग्राम, एनहेमसन के प्रोग्राम। इसलिए सोमहार जो को मारिय ब्यूरक पर प्रोग्राम करने की इजाजत अब से नहीं है। तो यह बात आप तक पहुंचाना था, क्योंकि सोमहार जो खाली नियम सदाम पर कुछ करे मात कर सकते हैं, लेकिन मारिय ब्यूरक में नहीं, उन्हें इजाजत नहीं है, देशी काली की तरफ से इजाजत नहीं है। प्यारे प्यारे लोग, बड़ी गजब की बात है कि एक 8 साल के बच्ची, उनकी परिवार जाकर के नालिश की है कि एक मामा ने इस बच्चे के साथ खराबी की है। यह बहुत गजब की बात है काका, लेकिन यह बात जनता तक पहुंचाना जरूरी है। अब यही बात है कि यह मामा जो है ना, सुनने वालों बहुत दुख के बाद यह बात कहा जाता है। अब इसको जो नीदरलैंड्स में आप कहेंगे या अपने भाषा में कहेंगे या जो भाषा में, यह तो जनता के कानों में पहुंचना चाहिए। यह मामा जो है ना काका, यह मामा अपना मलिछुआ चिजुआ इस बच्ची के मुंह में डाल दे। भला बताओ काका, कितना बेशरम मामा है ये।
zij vertelt dat haar oom zijn geslachtsdeel in haar mond stopte. Sipahi is mama kole jaker ke band kari se. Mama kole jaker ke band kari se. Besharam mama. बड़ी सोच के बात है मऊ साहब, ये बड़ी सोच के बात है, ये मूड खराब होने के बात है, कहीं से समझेगा सिखियातिस इंद्रिक्टिंग मिनिस्टर खतरों स्टुअर्ट खतरों को इंतजार करता है कि मिनिस्टर इस अफदेलिन को न्योता देकर के उनसे बात करें। सिखियाटर्स जो है भैया, जो रक्तलक मख को रिपोर्ट बना बना करके देता है, वो लोग काम बंद कर दिया है, क्योंकि जब वो लोग को पैसा नहीं मिलता है तो वो लोग काम बंद कर दिया, यानी कि डस्कंदख। इसलिए सेंटिया फाल्स्टेन मोंटनोर जो रेक्टर है, ये बात उनके सामने आया है कि सिखियाटर्स लोग जो है रिपोर्ट नहीं देता है इस वक्त, जब तक मिनिस्टर उन लोगों को पैसा अख्तस्ताल का पैसा नहीं देगा, वो लोग अब काम नहीं करेगा और न रिपोर्ट बनाएगा, समझेगा। भाई बहनों, आप लोग शायद सुने होंगे कि 26 वकांसी ऑर्डन जिनको अच्छा तरीका से अपना वकांसी ऑर्डन तैयार करना चाहिए और सफाई से जो रखना चाहिए बॉडीगार्ड के साथ सब कुछ, 26 वकांसी ऑर्डन को तुष्ट टाइमिंग है, वो फॉरवार्डन के मुताबिक वो अब खोल रही है और यह बंद भी करता है। इसलिए लोगों को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जो वकांसी और तुस्टैमिंग अभी तक नहीं दिया, या सरकार कोई ऐसा तुस्टैमिंग या कोई इजाजत नहीं दिया है कि वहां पर लोग जाकर के नहाए कूद फान करे या और कुछ करे। तो 26 वकांसी ऑर्डन जो फॉरवार्डन सरकार का है, उस फॉरवार्डन के मुताबिक वो लोग इस वक्त तैयार करके इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं कि एक बकरा याकोबस शाक यांसन 25 नवंबर 2017 क्वाटा में डाकुओं ने उनका हत्या की है, उनके लूट करके उनका खून कर दिया। कैमरा बिल्डल पर कुछ के तस्वीर उतर गया, फोटो उतर गया, फिल्म उतर गया, जैसे शेरानो फेई और केफोन एल, इन दोनों को गिरफ्तार हुआ है। और ये दोनों से जब रेक्टर पूछे हैं फिल्म पर कि ये फिल्म पर के तू, बोले हां हम ही लोग हैं। शहर कैंडन जेक्सल खेस्टरन ऑफ कामरा बेउदन। प्यारे प्यारे लोग, ये बकरा का मौत हुआ है एक नीदरलैंडर याकोबस शाक यांसन 75 क्वाटा में 25 नवंबर 2017 में। 17 अक्टूबर को यह मुकदमा आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब जब यह बात जाहिर है कि यही दोनों इस बकरा को कत्ल की है, तो यह मुकदमा 17 अक्टूबर को आगे बढ़ेगा। हमारे सन्नाम के जनता, श्रीनाम के लोग, ये फेसबुक के तमाशा जो है काकी, फेसबुक जब से आई है सरनाम में 50 परिवार का घर बिगड़ गया, 50 आदमियों का औरत भाग गई, 50 के घर के मर्द भाग भाग गए हैं। मतलब कि ये फेसबुक जो है काका, इस फेसबुक द्वारा जिसवा का
हींचा तानी करके जसवा को हिला करके झुका दिया है। एक 32 साल का आदमी फेसबुक द्वारा एक लड़की से कॉन्टैक्ट किया, एक 32 साल का आदमी फेसबुक द्वारा एक औरत से कॉन्टैक्ट हुई। जब ये कॉन्टैक्ट हुआ तो अब दोनों में तो अब मुलाकात होना चाहिए ना। तो ये 32 साल का आदमी को न्योता मिला इस औरत के जरिए, क्योंकि फेसबुक द्वारा सब होता है और फेसबुक द्वारा इस 32 साल का लौंडा को इस पच्ची ने बताया कि कहां पर तुम्हें आकर के अब मुझसे बात करो। 32 साल का पहुंच गया औरतिया के पास, बौसी बरासा होने के बाद अब बच्ची क्या बोलती है, बोले सुनो ना, मुझे एक रास्ता जिसका नाम है संतूर है, वहां मुझे जाना है, वहां हमें एगो जाकर के एक तस जिसमें कुछ सामान है मुझको जाकर के लेना है संतूर है। 32 साल का आदमी जो फेसबुक द्वारा औरत से पहली मर्तबा मुलाकात हुआ, वही पहला दफे इस औरत के लेकर के संतूर व्यक्त की तरफ गया। कुछ रास्ता पर वो तो चलो, कुछ रास्ता खराब है तो उन्हें गाड़ी को रोकना पड़ा। अब बच्ची कहती है कि यहां पर गोरो, हम तनी दूर जाकर के तास लेकर के आ रही है। Omdat de weg onbegaanbaar was, stapte de dame uit en liep naar het adres waar zij de tas moest halen. Had niet een garing bij tellen. Ziet u die bedaald heeft? Bij tellen. Toen er weer, pata chala ki inko kraan kholna chahiye. Watel hij denk, pijpwijker, is het taklief dene laga. Hij stapte uit om te urineren. Bas pisaap karte hue achanak do udhar se chal karke inke taraf aa raha hai. Aate aate abhi tak inki karan khula hai, bas inhe aage piche pakad liya. Aage piche pakad karke goton ka chaabhi khinch liya. अब मारी से एक ऐसा घूसा कि बेचारा फूर कर होकते फान सेन रेखतर ओख फूल गया। प्यारे प्यारे लोग, वो जो फेसबुक के फ्रेंडेन लौट करके कभी नहीं आई, क्योंकि ये औरत ये डाकुओं से अस्पताल की थी कि वहां हम जाएंगे तो लूटो गाड़ी, ये सब गाड़ी ओरी छीन करके उनके लात मार करके वहीं छोड़ करके और सब कुछ लेकर के ये दोनों डाकू भाग गए हैं। तो ये फेसबुक के जो नतीजा है, फेसबुक के नतीजा का कि जसवा को हिलात डारी से, जसवा के हिलात डारी से, कोई के मेहरारू भाग गई, कोई के मर्द भाग गई, कोई दुल्हू प्राणी भाग गई से लिंग सरक्ष फर्दवाल हो करके। और यही तमाशा है फेसबुक के, करियो तो का करियो, अब जैसे बजे ढपला वैसे दहिया हिलाइयो, जैसे भैया बजी ढपला वैसा ही कमर हिलाइयो, और कोई दूसर बात नहीं। धान छींटने लगा निकेरी में और इस वक्त 26,000 हेक्टार धान छिटा चुका है। श्रीमान फंदर को ये कह रहा है कि बिचारे 28,000 हेक्टार, लेकिन इस वक्त खाली 26 हेक्टार धान छिटा चुका है, कितने धान भी कटने लगा है। मैंने सद्दीकान कमेन पर गया था, कमेन डिस्ट्रिक्ट में अजय कुमार काली जो वहां का कमिसारस है, उनको घुमाया है ई बदरेब वो बदरेब, क्योंकि पता चला है
कि कमवैन में भी बड़का बड़का बदरेव खुल चुका है। जिस तरह से शहर पारमारीबो में, ऐसे कमवैन में भी बड़ा बदरेव इस वक्त खुला है और मिनिस्टर खुद देखने के लिए गया है कि इस वक्त क्या हो रहा है उस बदरेव में। तो जैसे ही काली मिनिस्टर को घुमाया है यहां वहां ले जा करके, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता भैया बहनों, आप लोग जहां तक ये संदेशा सुन रहे हैं, मुझे खबर मिला है कि डीबीएस स्टेरिलिसाची प्रोजेक्ट पारा की शुरुआत करने को जा रहा है 5 से लेकर के 12 अगस्त तक। डीरनपोरी एनिमल्स, देखिए सूरीनाम से होंडन एंड पुजन रेजिस्ट्रेशन मार्टिन लूथर किंग वे 2025 तक आप और आप कीजिए, सोमवार से शुक्रवार 8 से 1 बजे तक। दो आन बता लें, क्वेश्चन है 5 तक SRD, 5 से 7 तक। एक इंफॉर्मेशन आपको दे रही है 8109465 5 से 12 अगस्त डीरनपोरी। आप अपना बिल्ली और कुत्ते को ले जाइए, क्योंकि ये ऐसी छुछवाने से यहां वहां बच्चा पैदा हो गए वो हो गए, ऐसे बेहतर है कि डॉक्टर से जाकर के स्पोइटी लगवा दो ताकि इनका छुछ बंद हो जाए। तो ये जो सूरीनाम से होंडन एंड पुजन रेजिस्ट्रेशन मार्टिन लूथर किंग वे 2025 तक आप पर हो रहा है सोमवार से शुक्रवार। तो ये है डीबीएस स्टेरिलिसाची प्रोजेक्ट पारा 5 से 12 अगस्त डीरनपोरी, वहां पर जाकर के और नाम लिखवाइए। ए भैया, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, सूरीनाम के तमाम निवासियों, सब लोग बड़ी प्रेम से जब बात सुनते हैं तो मुझे इतना बात याद है कि पुलिसी अब द्रुक्ष प्रकोप जो दुकान के सामने यहां वहां खड़े होकर के गांजा ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, उन सब के गिरफ्तार किया है। पुलिसी और मिलिटर पुलिसी दोनों मिल करके 28 और 27 जुलाई को ये कुछ लोग को गिरफ्तार की है दुकान के सामने और फरदोफन मिले शालस बिरख में मार्टिन लूथर किंग वे लातूर, कहीं शुक्रो कहीं हश कहीं मरवाना, सब लोग के पास जो था सब लोग को गिरफ्तार की है। सिपाही अब घूम घूम करके देखे कि लोग कहां पर ये ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, अब सबकी गिरफ्तारी का शुरुआत होने लगा है। प्यारे लोग, प्यारे प्यारे सरनाम के हर एक जनता, मैं देख रहा हूं कि एक औरत एक मर्द में भय झगड़ा, द पुलिस निवाहन, एक औरत जो दो गाड़ी के आईना फोट डाली से योहान बोध खराफन, ये पार्केर ट्रेन जहां डियाकोनेशन है इसे, ये औरत भी पार्केर करती है दाम पर और इनका एक फ्रिज जो है मिल एक फ्रिज भी, तो इन दोनों में झगड़ा होने लगा। औरतिया के नाम है मिल्ड्रेट फी और एक फ्रिज, दोनों गाड़ी वहां पार्केर करे लोग से पैसा लेता है, लेकिन मिल्ड्रेट और फ्रिज में कुछ झगड़ा भय तो मिल्ड्रेट दुई गाड़ी का ऐना फोड़ दिया। बस सिपाही मिल्ड्रेट को गिरफ्तार की है, जो ऑटोराइटन औरत को मिल्ड्रेट को सिपाही पकड़ के ले गई है जेल में डाल दी सर। तो ये है तमाशा। कांतोन खरेख में क्रेफी के बनूम किया गया है, आनंद कुमार चरण जो कांतोन रेक्टर दो
खरीफीश को बनुम किया है, बाल गोविंद कविता, बाल गोविंद कविता और अकाम्बा फानेसा और झगरू अनवर, ये तीनों को खरीफीर के दर्जा दिया गया है। सुदेश सिंभुदत्त पांडेई एच फॉर्मूला पढ़ करके सुनाया है, यानी जो कसम लोग कहते हैं, और बाल गोविंद कविता अकाम्बा फानेसा और झगरू अनवर, ये तीन लोग को खरीफीर का दर्जा दिया गया है कांतोन में काम करने के लिए। इन तीनों को हम लोग यहां से मुबारकबाद पेश करते हैं। प्यारे प्यारे लोग, आप तो जानते हैं रेडियो राधिका और टीवी के मालकिन रोशनी राधा किशन रामलखन 18 जुलाई 2018 को इनका मृत्यु हुई है, 87 साल की उम्र में। जिंदगी में बहुत से काम भी बेचारी की है रोशनी दीदी राधा किशन, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, समाज सेवक, समाज को सुधारने के लिए भी बहुत से काम बेचारी की है। लेकिन प्रभु परमात्मा इन्हें 18 जुलाई को अपने तरफ बुला लिए। हम लोग को पता है कि समाज के लिए बड़ी काम की है, इसलिए हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। आज भी इनकी इनकी बारे में, रोशनी दीदी के बारे में अखबार ने जिक्र की है दाखबला सूरीनाम, तो हम लोग यहां से इस परिवार को, राधा किशन परिवार, हम लोग परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राधिका रेडियो और टीवी अपना प्रोग्राम जारी करते हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि रोशनी दीदी बहुत से काम करती है, औरतें के लिए, मर्दों के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए बहुत से काम की है। अब इन्हें आराम के समय आ गई है और प्रभु का प्यारा हो गई है। हम लोग परिवार राधा किशन, परिवार रोशनी राधा किशन रामलखन, इनके बच्चों, इनके पूरा परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बात कह करके भाइयों बहनों, हम आप लोग से अब इजाजत चाहते हैं, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।